हाय कैप्रिकॉर्न और मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो लेट्स सी मंथ ऑफ जुलाई फॉर कैप्रिकॉर्न। यू कैन यूज दिस फॉर योर सन मून राइजिंग। आप सन मून राइजिंग जैसे भी कैप्रिकॉर्न से कनेक्ट करते हैं उसके लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं। सो लेट्स सी मकर राशि कैप्रिकॉर्न के लिए जुलाई का महीना क्या लाने वाला है। मकर राशि कैप्रिकॉर्न जुलाई 2022। जुलाई का महीना मकर राशि के लिए कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा होने वाला है। गाइड्स एंजल्स मंथ ऑफ जुलाई फॉर कैप्रिकॉर्न जुलाई 2022। हाउ विल द मंथ ऑफ जुलाई 2022 बी फॉर कैप्रिकॉर्न्स। ओके सो लेट्स सी। ओके सो कनेक्शंस, सबसे पहले तो मुझे कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लगता है जो जुलाई का महीना है वो आपके लिए नए कनेक्शंस, नए पार्टनरशिप्स, नई अपॉर्चुनिटीज, नए रिलेशनशिप्स, नया प्यार, कहीं ना कहीं एक नई एनर्जी, एक नई बिगिनिंग, एक नया स्टार्ट जो है लेकर आने वाला है। पार्टनरशिप या सेल्फ लव, एक अपना प्रपोजल लाना किसी तरह का, या अपना प्यार जो है उसको फाइंड करना, या किसी ड्रीम की तरफ, किसी सपने की तरफ कदम बढ़ाना, वो मुझे आपके कार्ड्स में सबसे पहले दिखाई दे रहा है। टू ऑफ कप्स का कार्ड है। सेकंड कार्ड जो है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। अगेन ब्यूटीफुल कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून जो होता है वो डेफिनेटली व्हील्स चेंज होने का, किस्मत चेंज होने का, जिंदगी पलटने का, जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव जो है कोई होने का कार्ड होता है। और यहाँ पे आपको व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाई दे रहा है। समथिंग अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आप स्फिंक्स की जो पीठ है वो देख सकते हैं, विच मीन्स कि कुछ ऐसा जिसका बहुत समय से इंतजार कर रहा था स्फिंक्स। हर एक इंसान जो है वो दूसरी तरफ फोकस्ड है और दूसरी तरफ से डेफिनेटली कुछ नया निकल कर आ रहा है, कुछ डिफरेंट निकल कर आ रहा है, कुछ अमेजिंग निकल कर आ रहा है। एंड दिस लुक्स लाइक आपके पेशेंस का रिजल्ट जो है वो आपको मिलने वाला है इस महीने। और अगर आप देखेंगे तो नंबर 10 बनता है टोटल भी, यहाँ पे भी 10 है, व्हील ऑफ फॉर्चून 10 होता है, बट ये 3 है और ये 7 है, 10 की एनर्जी बनती है। डेफिनेटली किसी तरह का स्टार्ट और एक नई बिगनिंग जो है वो आपकी तरफ आ रही है। क्लोज अटेंशन पे कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कोई एनर्जी, कोई सोल, कोई डिवाइन एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करे। आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपके आसपास हमेशा कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई पावर जो है वो आपके आसपास रहेगी, तो प्रोटेक्शन जो है वो आपके आसपास रहेगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपने जिसपे मेहनत की है और जिसपे आप फोकस्ड हो, थोड़ा सा आपने आसपास भी ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि आप एक ही चीज पे फोकस्ड रह जाओ और कोई और अपॉर्चुनिटी जो है वो एग्जैक्टली आपके सामने से निकल जाए, तो ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई में अपॉर्चुनिटीज अपने आप को प्रेजेंट करेंगी आपको। और अगर आप फोकस्ड हो, अगर आपका ध्यान है हर तरफ, तो वो अपॉर्चुनिटीज आप देख पाओगे और उन अपॉर्चुनिटीज को आप यूज कर पाओगे। क्योंकि अगर यहां देखें तो यहां पे भी एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ आ रहा है, अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है, यहां पे ऑपोजिट साइड सब देख रहे हैं, विच मीन्स वहां से कुछ डेफिनेटली आ रहा है। और यहां पे पेशेंस की एनर्जी है, वो अपने पेंटिकल्स को देख रहा है ध्यान से, लेकिन वहां से ऊपर जो है एक सोल जाती हुई या एक हिंजल आपको जाता हुआ दिखाई देगा। मैं एक कार्ड और निकालती हूं एंड देन लेट्स सी। ओके सो यस, सो दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स। पावर की एनर्जी, अबिलिटी की एनर्जी, कम्युनिकेशन की एनर्जी, अपने आप की इनोसेंस जो है उसको प्रोटेक्ट रखने की एनर्जी, लेकिन उस इनोसेंस को प्रोटेक्ट रखते हुए भी स्ट्रांग डिसीजंस लेने की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। आप में से अगर कोई बेबी के लिए या प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है तो उसके लिए पॉजिटिव महीना है ये। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है, जैसे अगर आप देखें तो ये लोग सर झुकाकर खड़े हैं और ये किंग ऑफ जो सोर्ड्स है वो इनको किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है या कुछ बता रहा है, या फिर किसी चीज के लिए गुस्सा कर रहा है, या किसी चीज के लिए कोई स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो उस तरह की एनर्जी ये दिखाई दे रही है किंग ऑफ सोर्ड्स में। और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो होती है अपनी एबिलिटी पे भरोसा रखने की, अपनी पावर पे भरोसा रखने की एनर्जी होती है। किंग ऑफ सोर्ड्स में थोड़ा सा आपके साथ रिलेट कर सकती हूं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न्स यूजुअली सैटर्न एनर्जी के साथ कनेक्टेड होते हैं और किंग ऑफ सोर्ड्स भी सैटर्न एनर्जी के साथ कनेक्टेड होता है। तो मुझे यहां पे देखकर ऐसा लग रहा है, जैसे अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो नई रिलेशनशिप या रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिव चेंज जो है मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यू विल हैव टू बी लिटिल अटेंटिव। हो सकता है कि कोई चीज आपको बोल दी जाए, कोई चीज आपके सामने हो जाए, लेकिन आप अटेंटिव ना हो तो आप उसको देख ना पाए। दूसरा, अगर किसी रिलेशनशिप के कंप्लीट होने का आप वेट कर रहे थे, किसी रिलेशनशिप के फुलफिल होने का वेट कर रहे थे, तो वो भी मुझे ऐसा लगता है जैसे वो रिलेशनशिप जो है वो आपकी लाइफ में आ सकती है। और थोड़े से अटेंटिव होंगे तो आप उसको देख भी पाओगे और अटेंड भी कर पाओगे और फुलफिल भी कर पाओगे। डिसीजन मेकिंग भी
मुझे लग रही है। करियर की बात करूँ तो पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है और पुराने इन्वेस्टमेंट्स का पे ऑफ करना जो है मुझे दिखाई दे रहा है, और उसके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि पुराने इन्वेस्टमेंट्स जहाँ पे ऑफ करेंगे वहीं इमिडिएटली साथ में नए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी आ जाएगी। थोड़ा सा रेजिलेंट होंगे तो वो कर पाएंगे। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे कोई ऐसा मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा है, अदर देन थोड़ा बैक हेल्थ या स्पाइन हेल्थ का ध्यान रखना है और थोड़ा सा अपनी डाइट के साथ पेशेंस रखने हैं। हैव मोर ग्रीन, वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ, अगेन पेशेंस की एनर्जी, ड्रीम्स चेज करने की एनर्जी, यू कैन चेज योर ड्रीम्स बट जस्ट हैव पेशेंस, एंड थोड़ा सा ना कोर्स से ऑफ भी कर लेना, क्योंकि कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि यही क्वेश्चन आते हैं, यही चीज़ है जिसको प्रिपेयर करना है, यही है जो एग्जाम में आई, लेकिन आउट ऑफ द ब्लू कुछ ऐसा आ जाता है जिसके बारे में आपके दिमाग में आया होता है लेकिन आपने इग्नोर कर दिया होता है, तो वो ध्यान रखना है। रिटायर्ड या जो लोग हाउसवाइफ्स है, देर इज अ चेंज, देर इज अ न्यू एनर्जी कमिंग। सेल्फ लव, अपने आप को बैलेंस करना, अपने आप के साथ प्यार करना, देखना कि आप अपनी इनोसेंस को कहाँ खो रहे हो, देखना कि आपका इनर चाइल्ड जो है कहाँ गुम हो गया है, थोड़ा सा उस पर काम करना जो है वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो ओवरऑल मंथ जो है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी पावरफुल है। लेट्स सी कि इस मंथ का मैजिक जो है वो क्या है आपके लिए, और मैजिक ऑफ द मंथ फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लिए मैजिक ऑफ द मंथ, मैजिक ऑफ द मंथ फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर जुलाई 2022। ओके, सो ओवरऑल पावरफुल एनर्जी, न्यू पार्टनरशिप्स, न्यू बिगिनिंग्स, पेशेंस, बट बींग अटेंटिव इज इम्पॉर्टेंट, एंड इनर चाइल्ड, टेकिंग केयर ऑफ इनर चाइल्ड इज इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स सी क्या आता है। एंड दिस इज नंबर 28, अगेन 10 की एनर्जी है। दिस इज प्रोटेस्ट, स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। सो इट इज टाइम वेर यू स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। ये टाइम है जब आप एक तरह से नई बिगिनिंग, अपना जो चार्ज है वो अपने हाथ में लें, सिचुएशंस का चार्ज अपने हाथ में लें, और एक तरह से एक नया रेवोल्यूशन अपने लिए, एक नई बिगिनिंग जो है उसको स्टार्ट करें, अपने लिए एक नई एनर्जी जो है उसको स्टार्ट करें। और ये बोलता है कि आप आसपास देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं अनजस्ट हैं, लेकिन आप उसके बारे में श्योर नहीं है। आपको पहला स्पार्क जो है अपने आप में रेवोल्यूशन लाकर करना होगा। अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपने लिए स्टैंड कीजिए और दूसरों के लिए भी स्टैंड कीजिए, चाहे उनके साथ आपका एक्सपीरियंस आप शेयर करते हो चाहे नहीं करते हो। अगर आप बोल सकते हैं और सेफली बोल सकते हैं तो प्लीज़ बोलिए। तो ये महीना जो है ये अपनी वॉइस को आगे बढ़ाने का, अपनी वॉइस को बुलंद करने का और दूसरों तक पहुंचाने का महीना है। तो इट इज़ लाइक दैट प्रोटेस्ट दैट यू हैव टू स्टार्ट, इट इज़ दैट एनर्जी जिसमें आपको आना है और जिसमें आपको नया स्टेप लेना है। इट इज़ लाइक दैट एनर्जी जहां पे बहुत समय के बाद फाइनली आपको अपनी पावर में, अपनी एबिलिटी में वापस आना है। कहीं किंग ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड रीबर्थ भी बताता है क्योंकि एक बेबी एनर्जी है, और प्रोटेक्शन भी बताता है क्योंकि ये बेबी प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और बहुत सारे पेशेंट्स के बाद अचानक से बहुत मेजर टर्न ऑफ इवेंट बताता है क्योंकि प्रोटेस्ट की एनर्जी भी है। एक नई मुलाकात या नई बिगनिंग भी बताता है। लेट्स सी व्हाट इज द गेटवे दैट इज ओपनिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। सो गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज, ओके, इट लुक्स लाइक मेनी गेटवेज आर ओपनिंग फॉर यू। इतने कार्ड्स अभी तक किसी जोडेक में एक साथ नहीं आए। सो फर्स्ट गेटवे, फर्स्ट कार्ड सेज टेकिंग एक्शन, और ये बोलता है कि आई इंथुजियास्टिकली एम्ब्रेस लाइफ, लाइफ्स बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज़। तो दुनिया में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, और अब मैं एक्शन के लिए रेडी हूँ। प्रोसीडिंग सॉफ्टली, मेरी इनर पावर जो है, मेरी इनर मोमेंट जो है, क्वालिट्यूड, अपने साथ समय बिताने से मैं अपने आप को और बैलेंस करता हूँ और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ता हूँ। एक ही प्लेट है, एक ही कप है, सो बेसिकली सेल्फ, एक ही चेयर है, अपने साथ समय बिताना और स्लीप, स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, साइलेंस से जो मेरी असली पावर है वो बाहर आती है। इट इज ऑल्सो दैट एनर्जी जहाँ पे, जिस तरह से ये कार्ड्स आए हैं, इट फील्स लाइक इट इज ऑल्सो दैट एनर्जी जहाँ पे आप स्टिलनेस से बाहर निकलते हो, अपने आप के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, बट वो आगे बढ़ना जो है वो जरूरी बहुत है। सो लेट मी जस्ट रीड दिस कार्ड्स आउट फॉर यू। सो टेकिंग, फर्स्ट इज टेकिंग एक्शन। मैं आपको बुक नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि थोड़ा बैठना उस तरफ मुश्किल हो रहा है। सो ये कार्ड बोलता है हेजिटेट मत कीजिए, जो भी, या फिर मैं ऐसे दिखा देती हूँ, हेजिटेट मत कीजिए, जो भी आप पुट ऑफ करते जा रहे हैं, अब टाइम है जब आप एक्ट करें,
अपना अपनी फिस्ट जो है आसमान की तरफ उठाएं और लीप ऑफ लीप करें एक्शन में। सारे जो शैम्पेन है विक्ट्री की वो बिल्कुल पास है, उसको ब्रेक करना बिल्कुल पास है। सो इट इज़ लाइक सेलिब्रेशन एनर्जी। और ये बोलता है कि यूनिवर्स चाहता है आप जाने कि आप जो भी विश कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही टाइम है। बिना पीछे देखे आगे बढ़ने का, अपनी स्पिरिट को आगे बढ़ाइए, एक्शन लीजिए, बिल्कुल क्लियर कीजिए अपनी गेज को, और आपको बहुत ब्यूटीफुल रिवॉर्ड्स जो हैं वो मिलेंगे। सो अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी। और सेकेंड जो है दैट इज़ प्रोसीडिंग सॉफ्टली। तो जब आपको आगे बढ़ना है तो दिस ऑल्सो सेज गो फॉरवर्ड सॉफ्टली, आगे बढ़िए। डेजीज जो है, फूल जो है, उनको स्मेल कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए जो भी अभी है, यहाँ है। और यूनिवर्स जो है वो चाहता है कि आप अपना समय लें, स्लोली स्लोली आगे बढ़े, ताकि आप देख सकें कि किन चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और आपका पेस जो है वो ज़्यादा अच्छा हो पाए। और बहुत हर एक चीज़ में फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो है थोड़ा सा उससे डीप चाहिए। जब आप रिलैक्स करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, तब आप चीज़ों को देख पाते हैं। सो एक्शन की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड ये भी आपको बोल रहे हैं कि जब आपने एक्शन लेना है, गो डीपर देन योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है जैसे जहाँ पे एक्शन की एनर्जी है, आपको एक्शन लेना है, आपको बहुत सारे पावरफुल चेंजेस लाने हैं, आपको बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं, और हर स्टेप के लिए आपको जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। हर स्टेप के लिए आपको जल्दबाजी में फास्ट फॉरवर्ड नहीं जाना है, बल्कि आपको स्टिल होकर अपनी इंट्यूशन में डीप जाना है और फिर डिसीजन लेना है। दिस इज एक मोमेंट लीजिए अपने साइलेंस में जाने का, अपने डीप प्लेस में जाने का, और फोकस कीजिए क्या इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद जो डीप ब्रेथ लीजिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने दीजिए प्रेजेंट मोमेंट में, हेयर एंड नाउ। और ये मुझे आपकी कार्ड की एनर्जी इस तरह की लग रही है जहाँ पे आपके अंदर वो पीस है, आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, और डिसहार्मनी जो है या केओस जो है वो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन जो भी आपके लाइफ में हो रहा है आप स्टिल हो सकते हैं, अपनी इस एनर्जी को सरेंडर कर सकते हैं, टेम्पटेशंस को अवॉइड कर सकते हैं, ड्रामा को अवॉइड कर सकते हैं। और जब आप अफर्म करेंगे पॉजिटिवली तो ड्रामेटिकली सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी आपके लिए, और आप एक साइलेंस जो है उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और डेफिनेटली चीज़ें जो है वो पॉजिटिवली चेंज होंगी। तो अगेन बहुत ब्यूटीफुली एनर्जीज आर सेइंग के बहुत मेजर चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में होने वाले हैं, कुछ एक्शंस जो हैं वो आपको लेने हैं, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ा स्टिल, पेशेंस की एनर्जी, थोड़ा टेंशन की एनर्जी, और फिर आप डिसीजन लीजिए इवेल्युएट करके, एंड डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन अ प्रोटेस्ट। ओके, लेट्स सी योगिनी से क्या मैसेज है। और योगिनी एक तरह से बिल्कुल लाइव एनर्जीज होती है। सो लेट्स सी मैसेज फ्रॉम योगिनी, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, जुलाई 2022। व्हाट इज द मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न जुलाई 2022? दिस इज द कार्ड। ईर्ष्या हरम। सो किसी भी तरह की ईर्ष्या, किसी भी तरह की, और नंबर 16 है तो नंबर 7 की एनर्जी बनती है, किसी भी तरह की ईर्ष्या, किसी भी तरह का द्वेष, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ें, उन सबको हरण करने का, उन सबको ख़त्म करने का जो टाइम है वो आ गया है। सारी अगर किसी ने ईर्ष्या या द्वेष या गलत एनर्जी के तहत आपके खिलाफ कुछ किया था, या आपके लिए कुछ किया था, आपको किसी तरह से परेशान किया था, प्रॉब्लम में डाला था, तो वो एनर्जी ख़त्म करने का समय आ गया है। और अगेन अपने आप में भी आपने किसी तरह की ईर्ष्या की एनर्जी जो है नहीं रखनी है। और ये जो कार्ड है ये बोलता है कि ये डीमन हेड पे बैठे हुए हैं, वो हर डेंजरस डीमन का एंड बताता है ये कार्ड। और ये बोलता है कि जो एग्रेसिव इमोशन है, डिस्ट्रक्टिव इमोशन है, उसको ख़त्म करना। और ये एनवी का मतलब ईर्ष्या का, द्वेष का, गलत एनर्जी का एंड बताता है। सो ये कार्ड जो है ये बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है दैट अपनी बॉडी के सेंसेशंस पे ध्यान दीजिए। आपके आसपास अगर अनकंफर्टेबल एनर्जी है तो उसको रिलीज कीजिए। अपने कोई फियर हैं, डर हैं, तो उनको रिलीज कीजिए। रिलीज योर फियर, रिलीज द अनकंफर्टेबल एनर्जी, एंड रिलीज द एनवी। एंड दिस ऑल्सो सेज दैट यू हैव द पावर, यू हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय
एनी डेंजरस डीमंस, तो आपके अंदर जो राक्षस हैं उनको ख़त्म करने की ताकत है। अगर आप चाहें तो आप राक्षसों को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। आपके अंदर वो एबिलिटी है, उस एबिलिटी का इस्तेमाल कीजिए। लेट्स सी हेवन एंड अर्थ से आपके लिए क्या मैसेज आता है। मंथ ऑफ जुलाई 2022 गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न। मकर राशि मंथ ऑफ जुलाई 2022, कैप्रिकॉर्न को क्या पता होना चाहिए, क्या होने वाला है कैप्रिकॉर्न के लिए। मंथ ऑफ जुलाई 2022, व्हाट इज द मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न्स। ओके, सो वाओ, टावर और टावर की एनर्जी जो है वो हमेशा, और टावर के नीचे एग्जैक्टली देयर इज व्हील ऑफ फॉर्चून। सो डेफिनेटली द व्हील्स आर चेंजिंग फॉर यू, समथिंग बिग टाइम इज चेंजिंग फॉर यू, क्योंकि टावर के एग्जैक्टली नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून है। मीन्स दैट देर आर व्हील्स दैट आर चेंजिंग, दैट मीन्स दैट बहुत मेजर शिफ्ट ऑफ एनर्जीज जो है होने वाला है। और यहाँ पे फर्स्ट ही कार्ड जो है विक्ट्री की एनर्जी का है, उसके बाद देर इज डेथ एनर्जी एंड देर इज पास्ट कमिंग बैक। वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। यहाँ पे अगेन 10 की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुली बनती है, 10 और 7 की, और 6 है, 4 13 है, 4 है, 6 प्लस 4 10 की एनर्जी बन जाती है, 6 प्लस 1 7 की एनर्जी बन जाती है। और आपके कार्ड्स में भी अगर आप देखें ओवरऑल एनर्जी 7 और 10 की एनर्जी ही फ्लो कर रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, और ये बोलता है दैट एक रीबर्थ जो है वो आपके लिए आ रहा है, पास्ट जो है वो आपकी लाइफ में कहीं से वापस आएगा, लेकिन एक विक्ट्री की एनर्जी के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ। जो चेंजेस हैं वो पॉजिटिव होंगे, चेंजेस जो है वो फ्रूटफुल होंगे, और चेंजेस जो है वो डेफिनेटली किसी तरह की नई एनर्जी आपके लिए लेकर आएंगे। एक तरह से इफ आई पुट इट एज एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे एक बड़ा शिफ्ट ऑफ एनर्जी जो है वो आपके लिए हो सकता है, अगर आप अपना ग्राउंड स्टैंड करें, फर्म रहें और तैयारी करें। बिकॉज समवेयर द हर्मिट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, इट इज द एनर्जी ऑफ दैट फाइंडिंग दैट गाइडेंस। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर आप फर्म रहें, अगर आप रेडी रहें, मैजिशियन सी ऑल द ब्यूटिफुल कार्ड्स आर शोइंग अप। सो अगर आप फर्म रहें, अगर आप रेडी रहें, अगर आप अपने आप पे विश्वास रखें, और अगर आप वो फाइनल स्टेप्स लें जो आपको लेने हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल, अच्छी एनर्जीज जो है लेकर आ रहा है। यू आर गोइंग टू गेट ऑल दैट यू डिजर्व। सो चाहे वो मनी हो, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो पार्टनरशिप्स हो, वट एवर यू डिजर्व इज गोइंग टू कम योर वे। यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस सम मैजिकल चेंजेस। नंबर ऑफ द मंथ की बात करूं तो बोलने की जरूरत भी नहीं है, 10 और 7 अनडाउटेबली नंबर्स ऑफ द मंथ। कलर ऑफ द मंथ की बात करूं तो येलो मेजरली मुझे आपके लिए, येलो और ग्रीन। तो आपने मणिपुरा चक्र और अनाहता चक्र, तो हार्ट और हार्ट और सोलर प्लेक्सस, ये दो चक्रा की मेडिटेशन आपने जरूर करनी है। और अगेन बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कोई भी स्टेप लेना है, कोई भी चीज करनी है, कोई भी आप उस एनर्जी में जाते हैं कुछ करने के लिए, तो आपने पहले 2 मिनट बैठना है, स्टिलनेस में जाना है, और फिर अपना डिसीजन जो है इवेल्युएट करके लेना है, और अटेंशन जरूर पे करनी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो रीडिंग आपकी हेल्प करे, अगर करे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और सब तक पहुंचाएं। चाम भूल गई मैं आपके लिए, सो लेट मी सी। ओके, सो आई हैव टू चाम्स। वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। पीकॉक का चाम आया है, और ये बेसिकली प्रोटेक्शन, द फ्लावर दैट इज देयर, प्रोटेक्शन की एनर्जी है। ये दोनों ही एनर्जीज ना बहुत क्लियरली कृष्ण, कल्कि या डिवाइन से कनेक्टेड एनर्जीज हैं। सो अथॉरिटी, पावर, अबिलिटीज, और अपने आप में अपनी एनर्जी को पहचानना, प्लस द किंग एनर्जी, प्लस गेटिंग इन टू योर सेल्फ, दैट स्टिलनेस एनर्जी, सब कुछ है इसमें, दोनों चार्म्स में। तो ऑल द वेरी बेस्ट, हो सके तो वीडियो सब तक पहुँचाएं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।